है, सरकार के अथक प्रयास के बावजूद भी ग्रोथ रेट जो है वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन सरकार चिंतित है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कारगर कदम उठाया है, भविष्य में इसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। उद्धव ठाकरे ने वोट लेते ही आज का मतलब शुक्रवार को कार्यभार संभाला और पहला आदेश उन्होंने आराम मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट पर रोक लगा करके कहा और कहा कि एक भी पत्ता नहीं काटा जाएगा वहाँ। नहीं, शिवसेना पहले से इस पे विरोध में थी और हम समझते हैं कि इसलिए इनके अपने एजेंडे में ये बात होगा, इसलिए जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया उन्होंने अपना उस पर एक्ट किया, अपने एजेंडे पर एक्ट किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अप्रत्याशित रूप से सीएम बन गया। जब यह बीमारी मेरे पास आई, अगर मैं इससे दूर भाग गया होता तो मुझे बाला साहब ठाकरे का लायक पुत्र नहीं कहा जाता। हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, जो भी जिम्मेवारी का जब ग्रहण करता है तो अपने तरीके से आगे उसका निर्वहन करता है। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को ये लगा होगा कि ये राज्य हित में नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में दूसरी बार माफी में दो दो बार माफी मांगी। उन्होंने गोडसे को देशभक्त कहा था लोकसभा के सत्र। देखिए, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी के प्रति एक पूरे राजनीतिक लोगों में और सामाजिक लोगों में एक अलग तरह की श्रद्धा है। तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की है, अगर उसके प्रति सम्मान दर्शाने का प्रयास किया जाएगा, उसके प्रति आदर दर्शाने का प्रयास किया जाता है, तो निश्चित रूप से समाज उद्वेलित होता है और उसके प्रतिक्रिया अपना देता है। हम समझते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने ने माफ़ी मांगा है और हम समझते हैं वो उन्होंने प्रायश्चित किया है, और मैं समझता हूँ कि भविष्य में भी उनको इस सब बातों पर ख्याल रखना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगने के बाद राहुल गांधी से भी माफी मांगने को कहा, जिसमें राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कहा था। देखिए, किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से किसी को भी बिना साक्ष्य के अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो निश्चित तो वो आहत होता है, और जब वो आहत होता है तो अपने तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तेलंगाना में हैदराबाद में टोल प्लाजा के पास एक महिला चिकित्सक की को पहले रेप किया गया, उसके बाद उसको हत्या कर दिया, जला दिया गया। इस पर तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली का विवादास्पद बयान आया। किसी भी व्यक्ति को देखिए बहुत सेंसिटिव है, किसी भी घर किसी के घर की बेटी बहू के साथ अगर किसी तरह का अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, और जो लोग जिम्मेवार पद पर बैठे हैं उनको तो और ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि समाज उनके ऊपर और देखता है, उनके ऊपर नज़र उठाता है कि अब ये क्या करेंगे। वैसे में अगर कोई विवादास्पद बयान दीजिएगा तो राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक व्यक्ति जो पद पर बैठे हैं उन उनके प्रति लोगों में सम्मान की कमी होती है और जो विश्वास होता है उसमें भी कमी आती है। इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी व्यक्ति है कोई भी बयान दे, सोच समझ कर कर बयान दे, और बयान में इस तरह की घटनाओं पे पूरी संवेदनशीलता रखनी चाहिए। रामविलास पासवान केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री ने कहा है कि सोने के आभूषणों को हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। यह 15 जनवरी 2020 से तो लागू होगी, लेकिन 1 साल बाद ये अनिवार्य रूप से लागू होगी। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि सोने में बहुत से मिलावट की चर्चा होती है, और जो गरीब जो लोग हैं और जो हमारा जो बड़ा ग्रामीण जो हमारा इलाका है देश का, वहाँ के लोग को की ठगी होती है, तो अगर हॉलमार्क होगा तो शुद्धता आएगी सोने में, और उसका परिणाम ये होगा कि जो अनपढ़ गरीब भी हैं उनको भी शुद्ध सोना मिलेगा। तो हम समझते हैं सरकार का अगर इस तरह का कोई प्रयास हो रहा है तो उसका उस, 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 उसको उसका स्वागत करना चाहिए।